पड़ोसी ममालिक को देखकर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला करेंगे। अफगानिस्तान में जामे हुकूमत तश्कील ना दी गई तो वहां खाना जंगी होगी। सबको साथ लेकर चलने से अफगानिस्तान में पायदार अमन मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा आलमी बरादरी को तालिबान को मजीद वक्त देना चाहिए, उनसे मुतालिक कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। मशरिक़ वुस्ता में अमनो इस्तेहकाम के खाहां हैं, अफगानिस्तान में सिफारतकारी के नए दौर का आगाज कर रहे हैं। अमरीका इत्तेहादियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करता रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूएन जनरल असेंबली इजलास से खिताब, बोले ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ईरान वादे पूरे करे मुस्बत जवाब देंगे। फलस्तीन और इसराइल दो रियासती हल से बहुत दूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अमन के लिए कोशिशें मुस्बत और काबिले तहसीन करार। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कोशिशों को मुदाखलत ना समझा जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है, मुदाखलत नहीं कर रहा, मखलूत हुकूमत की जानिब बढ़ रहे हैं। दाइश अफगानिस्तान में तंजीम की शक्ल में मौजूद नहीं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे कैंसिल होने की वजह एब्सोल्युटली नॉट है। अगर पाकिस्तान ने सर ऊंचा रखना है और एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत तो अदा करना पड़ेगी। सीरीज मुलतवी होने से 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, क्रिकेट सीरीज मुलतवी होने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे, जो नुकसान हुआ दुनिया को बताएंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का दो टोक मौकफ, कहा वेस्टर्न ब्लॉक ने पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। प्रेशर बनाकर रखेंगे, कानूनी जंग लड़ते रहेंगे। अचानक दौरा खत्म होने पर कीवी कप्तान भी हैरान, दौरे पाकिस्तान के अचानक इख्तिताम को मायूसकुन करार दे दिया। कहते हैं दौरा खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान में रहा मगर किसी का रवैया नहीं बदला। पाकिस्तान हर किस्म की सियाहत, खेल और कारोबार के लिए महफूज मुल्क है। अफगान अवाम के मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यूनान के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा खित्ते में अमन के लिए पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के कायम का फैसला, कमेटी दोनों ऐवानों के अराकीन पर मुश्तमिल होगी। अपोजिशन ईवीएम को तस्लीम न करने पर बजिद, शाहिद खाकान कहते हैं मुल्क का मसला इंतखाबी इस्लाहात नहीं, इलेक्शन चोरी है, पहले मशीन देखेंगे फिर कोई फैसला करेंगे। एहसन इकबाल का ग्रैंड धांधली का प्लान तैयार करने का इल्ज़ाम, कहा नादरा के जरिए डेटा हासिल करके धांधली होगी। नवाज शरीफ को सजा पैनामा पर नहीं इकामा पर हुई। मईशत बैठ चुकी है, मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका है, 50 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया गया, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, आवाम को कर्जों में जकड़ दिया। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद, शीरी मजारी का जवाबी वार, बोली कहाँ गए पेट फाड़ के पैसे निकलवाने के वादे, उल्टा उनका भाई मुल्क लूट कर मुल्क से भाग गया। अली मोहम्मद खान ने कहा नवाज शरीफ वापस आकर केसेस का सामना करें। एवन फील्ड रेफरेंस में नैब की बड़ी कामयाबी, नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की रकम की वसूली के लिए कार्रवाई का आगाज। अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की सजा बढ़ाने की अपील। मरियम औरंगजेब कहती हैं प्रेस रिलीज, नैब न्याजी गठजोड़ है, चेयरमैन नैब की आंखों पर पट्टी बंदी हुई है। शहबाज गिल बोले नून लीगी चोरी का हिसाब देने से कासिर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।